हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और दो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं जो आपके लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछे गए थे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन फोकस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन दिए हुए इस प्रैक्टिस सेट में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि उपनयन समारोह जो होता है उससे क्या मतलब होता है, यानी उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है। बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या बच्चे का विवाह किया जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि उपनयन संस्कार क्या होता है। इसे हम यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, धनुर्वेद, शास्त्र शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है। इसके अलावा जो आपका धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद है, और जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो हुआ था अशोक के किस शिलालेख में नहीं हुआ था, सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सहबाजगढ़ी का शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हरिहर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है, बाबर के नाम से, अकबर के नाम से, शाहजहां के नाम से या औरंगजेब के नाम से। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, अकबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी, ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल की सिकंदरी बेगम। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अवध की बेगम हजरत महल थी, यानी लखनऊ की बेगम हजरत महल, उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौनर ने, मोहम्मद इकबाल ने या सैयद अमीर गली ने, अली ने सॉरी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सैयद अहमद खान। सर, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, कि किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो भारतीयों ने शपथ ली थी कि सिर्फ भारतीय निर्मित सामान ही यूज करेंगे, विशेष रूप से कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन आपके पास कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले या लॉर्ड कर्जन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना कब की थी, दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 या अप्रैल 1921। तो राइट ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना फरवरी 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या कुलेर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, किन्नौर जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से कौन जाना जाता है, मालदीव, दमन और दीव, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो गाइस, यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रियार्ड्स में से एक नहीं है, बाणासुर, चैल, रानीखेत या नैनीताल। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाणासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि सिक्किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलज घाटी। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, सतलज घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति स्थल है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, काला सागर से, कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से या अरल सागर से। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की तीन स्तरीय संरचना है। बिल्कुल सही, पंचायती राज व्यवस्था की तीन स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है, ग्राम पंचायतें, जिले, पंचायत समितियां या ग्राम सभाएं। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को, भारत सरकार को, भारतीय रिजर्व बैंक को या स्टॉक एक्सचेंज को। तो यहाँ का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, चार, पांच, छह या आठ। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक जिसे LVB भी कहा जाता है, तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक, मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है, इस इकाई का नाम क्या है, HDFC बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग या रिलायंस होम फाइनेंस। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान को माना जाता है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, 12, 14, 17 या 21। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से या निर्वाचन आयोग के गठन से। तो गाइस यहां जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, 1950, 1955, 1957 या 1961। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, फैराड, पोइज, हर्ट्ज या अर्ग। तो यहाँ गाइस जो आपका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कौन सा है, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये आपको कमेंट करके बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कौन सा होगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.6726 × 10⁻², 1.6516 × 10⁻², 1.6749 × 10⁴ g या 9.1095 × 10⁻²। तो आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.6726 × 10⁻²। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र या प्रोटॉन। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, वनस्पति से, प्राणी से, कीट से या रसायन से। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीट से। फिर कह रहा है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि बाद में मैं एक साथ मैथ के सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 437। आपको इसको
क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 2143 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होता है। तो यहाँ भी आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ 56 इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 2/3। सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं आता है हम बाद में सारे क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करेंगे। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5:2। सॉल्व करके आपको देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी 200। तो ये सभी आपको सॉल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सी व्याकरण वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि जो आपकी मानक भाषा होती है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। फिर कह रहा है कि रित का विलोम क्या है, विकीर्ण, अनृत, वक्र या अनैक्य। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सबसे सटीक या सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संघर्ष मनुष्य को निखारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कवियत्री इसका राइट ऑप्शन है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि दूसरे के दोष देखने वाला क्या कहलाता है, आलोचक, छिंद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु या निंदक। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छिंद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 41 से 45 तक आपको आंसर देने हैं, वो भी एक पैसेज को रीड करके। इसमें कह रहे हैं कि कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाघ यंत्र प्रचलित है, सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्ययंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से गढ़े वाद्ययंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गजे से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराव से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्ययंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं, कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्ययंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी व्युत्पत्ति भारत में हुई है। अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्ययंत्र यहीं से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्ययंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्त्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्ययंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं, उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। वे चीन और इंडोनेशिया के हैं, वे भारत में ही जन्मे हैं। तो यहाँ कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, कि इनमें से कुछ बाहर के हैं और कुछ भारत में ही जन्मे हैं। फिर कह रहा है कि कौन सा भारतीय वाद्ययंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृत में भी विद्यमान है, तबला, झांझ, वीणा या बांसुरी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीणा, लास्ट के लाइन में दिया हुआ था। फिर कह रहा है कि कौन सा भारतीय वाद्ययंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृत में भी विद्यमान है, तो वीड़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कहता है कि कौन सा कथन असत्य है, तमिलनाडु और केरल के वाद्ययंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं, कुछ वाद्ययंत्र गज से बजाए जाते हैं, प्राचीन भारतीय वाद्ययंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं, भारत में अनेक प्रकार के वाद्ययंत्र प्रचलित हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन की तमिलनाडु और केरल में वाद्ययंत्र सबसे प्रसिद्ध है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन की बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है साहित्यिक ग्रंथ, वाद्ययंत्र, कलाकार या प्राचीन यंत्र। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाद्ययंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी एक पैसेज दिया हुआ है जिसको पढ़ के आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें कह रहा है कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती, पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियां से पहले, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार, नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी हुई गंध, फिर से एकजुट होते हुए।
इसमें कह रहा है कि चिड़िया आपस में बातचीत कैसे करती हैं, छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी, संकेतों से। ये शालू किसे कहा जाता है, दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला या कुछ भी ना चाहने वाला। तो ये शालू क्या कहलाएगा, दूसरों से जलने वाला। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना या जीवन को परखना। तो चींटियों के नेचर में कौन सा नहीं है, ईर्ष्या करना, चींटियां ईर्ष्या नहीं करती हैं। फिर कह रहा है कि बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं, पूर्वजों के गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से या शत्रुओं की चुनौती से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वजों की गंध से। फिर कह रहा है मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती है, भूल जाती है या याद रखती है, याद रखती है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आपको पैसिव वाइज में चेंज करना है। स्टेटमेंट आपके पास, रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। तो यहाँ इसका पैसिव वाइज कौन सा हो जाएगा, इसका जो पैसिव वाइज राइट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर एक पैसेज दिया हुआ है जिसके यहाँ पे आपको 52 से लेकर 55 तक के आंसर देने हैं। पैसेज है, वेक्स द प्रॉब्लम फेसिंग अस इन द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेज एंड टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बट इट विल बी अ सियर होली टू एक्सपैंड सच फैसिलिटीज recklessly without giving any thought to the quality of education imparted. If admissions are made for more selective, it will automatically reduce the number of entrants. This should apply particularly to new colleges, many of which are little more than degree factories. Only then can the authorities hope to bring down the teacher-student ratio to manageable proportion. What is more, teachers should be given refresher courses every summer to brush up their knowledge. Besides, if college managements increase their library budget, it will help both the staff and the students a great deal. फिर कह रहा है, at the same time, however, it will be unfair to deny college education to thousands of young men and women unless employers stop insisting on degrees even for clerical jobs. For a start, why cannot the government disqualify graduates from securing certain jobs, say class 3rd and 4th post? Once the link between degrees and jobs is served, at least in some important department, it will make young people think twice before joining college. तो पैसेज मैंने रीड कर दिया है, आप भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब आपको आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, what can automatically help to reduce admission through entrance test, discouragement to open new colleges, selective admission या abolishing reservation? तो right option कौन सा हो जाएगा इसका, selective admission। फिर कह रहा है कि मैनी ऑफ द न्यू कॉलेजेस आर सेंटर्स ऑफ एडवांस लर्निंग, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स या नोन फॉर देयर एकेडमिक एक्सलेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स। हाउ कैन टीचर्स ब्रश अप देयर नॉलेज, बाई अरेंजिंग रिफ्रेशर कोर्सेज, बाई प्रोवाइडिंग मॉनेटरी हेल्प, बाई प्रोवाइडिंग बेटर लाइब्रेरी फैसिलिटीज या बाई सेंडिंग देम अब्रॉड। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द ऑथर इज इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशंस ओनली व्हेन डिग्रीज आर डिलिंक्ड फ्रॉम जॉब्स, व्हेन अल्टरनेटिव एवेन्यूज आर ओपन फॉर द स्टूडेंट, व्हेन द टीचर स्टूडेंट रेशियो इज रिड्यूस्ड या ओनली व्हेन पेरेंट्स थिंक ट्वाइस बिफोर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू कॉलेजेस। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ आपको सही क्रम में सजाना है, दही, घास, दूध, मक्खन, दूध। तो इसमें से राइट क्रम कौन सा हो जाएगा, तो पहले क्या होता है, गाय आती है, गाय घास खाती है, घास खाने के बाद वो फिर क्या देती है, दूध देती है, दूध से फिर दही बनता है, दही से फिर मक्खन बनता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई बी डी ए सी, ई बी डी ए सी। तो यहाँ आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किसमें दिया हुआ, ई बी डी ए सी ए में दिया हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आपको स्वयं सॉल्व करना है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी आपको ही सॉल्व करना है, बाद में मैं रीजनिंग और मैथ के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, फिलहाल मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी सेम वैसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनको रीड करके आपको बताना है कि सही संबंध कौन सा है।
पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा सही हो जाएगा। कथन, यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है, यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका प्रभाव है, क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी कथन क्या है? रीजन, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। ये क्या है? ये रीजन है और ये इसका इफेक्ट है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? दिल्ली एम्स, भुवनेश्वर एम्स, ऋषिकेश एम्स या पटना एम्स? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोना कोना उम्मीद के पिन की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। फिर आपसे कह रहे हैं कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मणिपुर? यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में कह रहा है किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। इस क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या सिक्किम? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च या 3 मार्च? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मार्च को। फिर कह रहा है कि पैसिफिक थर्ड युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या जापान? तो यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। फिर कह रहा है कि स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? परिणीति चावला, कृति तिवारी, बाबा रामदेव या बिंदेश्वरी पाठक? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बाबा रामदेव। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे कि कागज की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? सुकेतु मेहता, शशि थरूर, नासिरा शर्मा या सुब्रत राव? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुब्रत राय। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? एन एस धर्म शुक्ल, श्री भगवान सिंह, बद्रीनाथ कपूर या डॉक्टर मनमोहन सहगल? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी, श्री भगवान सिंह को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सॉरी यहाँ किया गया है पूछ रहा था, तो ऑप्शन है श्री भगवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मोहनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, केरल से। फिर कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या 9 नवंबर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 8 मार्च को। फिर कह रहा है कि एसोटुबेल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुण सौरी, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए, विक्रम सेठ। फिर कह रहा है कि निम्न से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सत्यजीत रे, श्री राजगोपालचारी, मदर टेरेसा या सीवी रमन? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, श्री राजगोपालचारी को। फिर कह रहा है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी या बांदा? यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर में। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12 या 9? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष। फिर कह रहा है कि रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? सरदार सिंह, आकाशदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह या श्रीजेश? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीजेश। फिर कह रहा है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा की। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जगमोहन डालमिया, ए श्रीनिवास सन या जहीर अब्बास या मुस्तफा कमाल? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, जहीर अब्बास को। तो इस वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आगे के जो 20 क्वेश्चंस थे वो मैथ से रिलेटेड थे, इस वजह से मैंने उन्हें इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। आपका जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का आता है और 100 नंबर का भी होता है। तो इस वीडियो में हमने सभी 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।